क्वांटिको के निर्माताओं ने मांगी माफी, कहा प्रियंका की कोई गलती नहीं। प्रियंका चोपड़ा के अमेरिकन शो क्वांटिको के तीसरे सीजन द ब्लड ऑफ रोमियो में दिखाई गई एक घटना की निंदा हो रही है। इसे हिंदुओं के खिलाफ बताया जा रहा है। शो के एक एपिसोड में भारतीयों को आतंकी के तौर पर दिखाया गया है। सीन में कुछ भारतीय मैनहट्टन में बम धमाका प्लान करते हैं। ऐसा करके वो बम धमाके के आरोप में पाकिस्तान को फंसाना चाहते हैं। जब सोशल मीडिया पर इस सब का विरोध हुआ और प्रियंका चोपड़ा को निशाने पर लिया गया तो क्वांटिको के निर्माताओं ने माफी मांग ली। उन्होंने इस सब में प्रियंका का कोई हाथ न होने की बात कही। प्रोड्यूसर्स ने जारी किए माफीनामे में कहा, एबीसी स्टूडियोज और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स क्वांटिको के हालिया एपिसोड को आपत्तिजनक दिखाए जाने पर अपने दर्शकों से माफी मांगते हैं। ये एपिसोड इमोशन से भरा है। प्रियंका चोपड़ा ने इस शो को क्रिएट नहीं किया है, न ही शो की कास्टिंग या स्टोरी लाइन में उनका कोई हाथ है। बता दें कि क्वांटिको 3 का ये सीन भारतीय दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका मानना है कि शो में भारतीयों की गलत छवि पेश की जा रही है, उन्हें आतंकी दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग प्रियंका चोपड़ा को खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा को हिंदुओं को आतंकी दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। दूसरे ने लिखा, पाकिस्तान को फंसाने के लिए भारतीयों का बम धमाका करने का सीन बकवास है। वहीं कई लोगों ने शो को बायकॉट करने की भी धमकी दी है।